जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। अगर आप भक्त भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर फरवरी महीने में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और जानना चाहते हैं संपूर्ण जानकारी, क्या आप भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन हो रहे हैं, क्या यात्रा पर स्नोफॉल या फिर ठंड मिलने वाली है, भक्तों की कितनी भीड़ आ रही है, रुकने की क्या व्यवस्था है, रोपवे, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं क्या भक्तों को मिल सकती है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे वीडियो में। तो अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर अगर आप फरवरी महीने में आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन हो सकते हैं, साथ ही स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले प्राचीन गुफा के बारे में बात करते हैं। माता रानी के भवन पर दो गुफा स्थित है, एक तो प्राचीन गुफा जिसे हम जानते हैं माता रानी की पवित्र यात्रा पर, ये गुफा पूरे ही साल में 2.5 से 3 महीने के लिए खुलती है, परंतु दूसरी गुफा जहाँ पर माता रानी के पिंडी स्वरूप दर्शन होते हैं वो 12 महीने खुलती है। प्राचीन गुफा के ठीक सामने माता रानी की आरती होती है सुबह शाम में। आप भक्तों बता देना चाहता हूँ, प्राचीन गुफा जनवरी 14 से लेकर लगभग मार्च तक खुलती है, जब तक होली रहती है। होली के बाद कपाट बंद हो जाते हैं भक्तों के लिए, परंतु आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब भीड़ थोड़ी कम रहती है, लगभग 10 से 12 हजार भक्तों की भीड़ होती है, उसी दिन श्राइन बोर्ड गुफा खोलता है। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जब आप भवन पर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो सुबह लगभग 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक गुफा खुली रहती है, और कई बार इससे लेट यानी कि 2-3 बजे तक भी गुफा दोपहर में खुलती है, परंतु भीड़ ज्यादा होने के कारण कई बार गुफा के कपाट नहीं खुलते हैं। आप भक्तों को प्राचीन गुफा से दर्शन न होकर पिंडी स्वरूप दर्शन होते हैं नॉर्मल गुफा से। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, रात में लगभग 10-10:30 बजे गुफा खुलती है और लगभग 1-2 बजे तक भी गुफा खुल जाती है, 2 या 3 बजे तक भी रात में गुफा खुलती है। आप भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, रात में ऐसा समय होता है जब सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ कम देखी जाती है और उसी समय सबसे ज्यादा गुफा भी खुलती है। क्या आप भक्तों को आज तक प्राचीन गुफा से दर्शन हुए कमेंट करके बताएं, अगर हुए हैं तो जरूर अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट में जय माता दी लिख सकते हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहीं वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी जानकारियों के बारे में। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, इस समय श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल कोई भी स्नोफॉल आप भक्तों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, परंतु आने वाले समय में अगर मौसम बदलता है तो आपको जरूर स्नोफॉल का अनुभव फिर से हो सकता है। हालांकि साल 2024 में काफी कम स्नोफॉल यात्रा पर देखने के लिए मिली, हर साल के मुकाबले बात करें 2023 में, 2022, 2021 में काफी ज्यादा स्नोफॉल हुआ करती थी। इस साल स्नोफॉल लगभग 27-28 जनवरी से शुरू हुई, जिसमें की यात्रा पर 2 से 3 बार स्नोफॉल देखने को मिली। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर आप भक्तों को काफी ज्यादा ठंड देखने के लिए मिलेगी। रात के तापमान की बात करें लगभग 0 डिग्री या -1 डिग्री तक भी आपको तापमान देखने के लिए मिलता है, वहीं दिन में ये तापमान 8 से 10 डिग्री तक बना रहता है। तो अपने साथ ठंड के कपड़े अच्छे से ले जाना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं यात्रा पर मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में। भक्तों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आप यात्रा करने के लिए जा रहे हैं फरवरी महीने में तो पहले ही लगभग सभी सुविधाएं फुल हो चुकी हैं, चाहे आप बैटरी कार की बात करें या फिर आप हेलीकॉप्टर की बात करें, रूम या डोरमेट्री की बात करें। ऐसे में अगर आप एक रात बिताना चाहते हैं यात्रा पर यानी कि भवन परिसर में या अर्धकुंवारी मंदिर परिसर के पास में रुकना चाहते हैं, तो आपको जरूर वहाँ पर धर्मशाला की सुविधा मिल जाएगी, जिसके लिए आपको भवन या अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में शाम को 5-6 बजे तक 7 बजे तक पहुँचना होगा, जहाँ पर आपको रुकने की निःशुल्क सुविधा मिल जाएगी, साथ में निःशुल्क कम्बल की सुविधा भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं डोरमेट्री की सुविधा लेना तो कटरा में स्थित निहारिका भवन से आप डोरमेट्री की सुविधा ले सकते हैं, परंतु उसके लिए लगभग सुबह 5 बजे तक आपको वहां पर जाना होगा, लाइन में लगना होगा, क्योंकि सुबह ठीक 6 बजे काउंटर खुल जाता है। वहां से आपको भवन और अर्धकुंवारी के लिए दोनों जगह के लिए डोरमेट्री की सुविधा मिल सकती है। वहीं यात्रा पर मिलने वाली घोड़े खच्चर पिट्ठू पालकी की सभी सुविधाएं तो यात्रियों को मिल पा रही है, बिना किसी परेशानी के आप यात्रा कर सकते हैं। अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में बात करें तो दर्शन करने के लिए भक्तों को 5-6 घंटे तक का ही समय लग रहा है, और कभी कभी तो दर्शन करने का समय 2 से 3 घंटे का ही होता है, तो इस समय काफी कम वेटिंग टाइम भक्तों को दर्शन करने के लिए देखने के लिए मिल रहा है अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताना ना भूलें आप यात्रा करने के लिए कब जाने वाले, साथ ही आप ये भी बता सकते हैं अगर आप पहले यात्रा कर चुके तो आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आप चाहते हैं यात्रा से जुड़ी रोजाना ताजा तस्वीरें पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।